अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग गिलगित बल्तिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। मैं आप लोगों को एक नया मौजज़ा दिखा रहा हूं। पहाड़ के तह से आज क्या निकला है गिलगित सकवार के मुकाम पर, आ जाए मैं दिखाता हूं। ये पहाड़ के बिल्कुल दामन में देखिए, ऊपर पहाड़ और नीचे चश्मा। अच्छा, 550 फुट की बोरिंग है वहाँ पे। हमने मिसाइल जो हमारा मोटर है वो हमने लगाया, तकरीबन कोई 60-70 हज़ार का हमने मशीन लगा दी है नीचे से, उसके साथ केबल, उसके साथ पाइप, उसके साथ डोरी, फिर बिजली हमने यहाँ पे पहुँचाई है। हमारी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पे 3 फेज बिजली का इंतज़ाम किया जाए। पानी का आप देख सकते हैं, चश्मे का साफ पीने का पानी, माशाल्लाह ये तो एक मुजज़े से कम नहीं है। सकवार के अंदर ख़ास तौर पर इस इलाके के अंदर पानी की शिद्दत के साथ कमी पाई जाती है, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में। नंबरदार साहब ने ऐसा काम करके दिखाया, यकीन करें, जो हुकूमत नहीं कर सकी, जो बड़े बड़े NGOs नहीं कर सके, वो काम आज नंबरदार साहब ने, सकवार के नंबरदार ने करके दिखाया है। अब हुकूमत वक़्त से हमारी आप क्या रिकमेंड करेंगे, हुकूमत वक़्त को क्या नसीहत करेंगे? पूरा पहाड़ी इलाका है जिनके पाकिस्तान में। मैं हुकूमत से यही अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मात्र यही जिस तरीके से यहाँ पे पानी निकला हुआ है, इसी तरीके से मेरा काम है, पूरे गिलगित में इसी तरीके से पानी निकल सकता है और इसमें कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, एक मामूली पाइप के लिए कम से कम करोड़ों रुपये यहाँ लग सकते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं लगती है, 30-40 लाख मैक्सिमम ऐसे कास्ट आ जाती है और इतनी बड़ी कास्ट नहीं है। अगर हर मोहल्ले में इस तरीके से हर जगह में अगर कोशिश करे तो गवर्नमेंट हर एक को पानी मुहैया कर सकती है। तो ये पूरी आबादी के लिए ये पानी इस वक्त सप्लाई है, तो एक बड़ी टंकी अगर यहाँ पर बन जाए तो यकीन करें 100 से 150 घरानों के लिए पानी काफ़ी है। अभी अगर गवर्नमेंट मेरे साथ थोड़ी सी कॉपरेट कर ले, ये टंकी के लिए मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर ले, तो मैं 100 घराने क्या, मैं तकरीबन 200 घरानों। ये वाटर मैनेजमेंट के पास जाके भी आप अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके प्रोसेस कर सकते हैं। अभी तक आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी काम हो रहा है, इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा तो मेरा टारगेट जो है ना, फर्स्ट टारगेट अभी 20 घरानों को मैंने दिया हुआ है, तो इसके बाद सेकंड जब ये बन जाएगा मैं 100 घरानों को इंशाल्लाह ये पानी दे दूंगा। अभी बहुत सारी, अच्छा ये जो रमादा होटल आपके बैकग्राउंड में है, उनकी जो मशीन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो मशीन है ये सिर्फ पहाड़ के अंदर ये कटाई कर सकती है, ये ज़मीन पे नहीं कर सकती, ये कंप्रेशन मशीन से ये कटाई हो जाती है तो ज़मीन के अंदर ये फट जाती है, ज़मीन फट जाती है। देखो आप सामने देख रहे हो ना, ये सारा वैरान है, वैरान इसलिए है कि इधर पानी नहीं होने से, वरना अगर पानी को इसको मजीद भी कोई बंदा मतलब इसको गवर्नमेंट तवज्जो दे, इसको पानी ज़्यादा निकाले, निकालने के बाद ये पूरा सैराब हो जाए ना पूरा इलाका, तो खुद कफील बन सकते हैं ये एरिया के जो मतलब ज़री ज़मीन के अलावा लोगों को आजकल पीने का पानी मैसर नहीं है, पूरे वो दरिया का गदला पानी पीने से बेहतर ये नहीं है कि गवर्नमेंट माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे चश्मे इस तरह निकाले ताकि एक चश्मे से कम 20-30 घरानों के लिए पानी जो है वो ज़्यादा 100 घरानों से भी ज़्यादा में इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस चश्मे से ना, अगर ऐसा करें तो बहुत ही बेहतर सिचुएशन है। इसलिए हमारे बाला जो नुमाइंदे हैं उनसे ये मतलब है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपने गरीब आवाम की मतलब जो सहूलियात आपने देने हर किस्म के मतलब जो उसके टैक्स के पैसे से ही उसको सहूलियात जो भी आप दे सकते हैं तो ऐसी सहूलियात जो दें, ये जो ज़री ज़मीन है उसका आबादी के हिसाब से और पीने वाला पानी के हिसाब से ये बहुत ही NGOs की तरफ से भी अगर। और मज़े की बात ये, क्या ये पानी सिर्फ कुछ सीज़न के लिए निकलेगा या पूरे 12 महीनों के लिए पानी? ये पूरे 12 महीनों के लिए, चश्मे का पानी 12 महीनों के लिए ही होता है। हाँ देखें, अगर ये चश्मे का पानी अगर ये नहीं निकालता तो ये जाके ज़ाया होता, दरिया के साथ जाके मिल जाता, दरिया के साथ मिल जाता, ये डूब के ज़मीन के अंदर से दरिया के साथ मिल जाता, ये निकालने से पूरे एरिया के कम अज़ कम 100-200 घराने मतलब पीने के पानी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, रमादा होटल आप सकवार के बाशिंदा हैं, ये रमादा होटल वाले ने भी
पानी को मुमकिन बनाया है। बिल्कुल, एक पठान ने उधर सुबह के बिके से आके लोगों को दिखाया। बिल्कुल, क्या हुकूमत को पता नहीं था? हुकूमत को पता था, जानबूझ के हुकूमत नहीं कर रही है, आवाम के लिए सहूलियात नहीं दे रही है। आप सामने देखिए रमादा होटल, तकरीबन 50 से 60 कमरे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ आते हैं और वहाँ बाकायदा चश्मे का गहराई से इसने, इस बंदे ने 250 फुट गहराई से इसने पानी निकाला खुद अकेला बंदे ने। क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या आवाम के लिए 250 फुट का कुआं निकाल के मतलब बोरिंग करके पानी नहीं दे सकती? खुद नहीं दे रही हैं वो, अगर दे दे आवाम के लिए पानी दे दे, फैसिलिटीज दे दे, तो फिर वो बड़े अमीर मोटे होंगे कि उसके गिरबान पकड़ेंगे मोटे ऑफिसर के, उनको इसलिए अपने पाँव के नीचे दबा के रखे। इस तरह के सिर्फ इधर नहीं, इससे भी अच्छी ज़मीनें हैं आगे, वहाँ ठीक ठाक पानी निकल सकते हैं, रमदा होटल में निकल सकता है, इधर निकल सकते हैं, तो दरमियाने जो ज़मीन है उसमें क्यों नहीं निकल सकते हैं? ठीक है ना, उधर भी बिल्कुल अच्छी ज़मीनें हैं, मतलब उसमें खर्चे भी कम होगी। यहाँ तो 30 लाख की खर्चा हो गई, वहाँ 15-20 लाख में जो है ना ज़मीन से पानी निकल सकते हैं। आपने इनको ज़मीन तो भेजा है, तकरीबन कितने लोगों को आपने इधर बसाया है? सर हम मेहरबानी सनावर भाई, आपने मुझे टाइम दिया। मैं 2008 पे जहाँ पे मैंने पहले मकान बनाया था, उस वक्त पानी का कोई सिस्टम नहीं था, हमने टैंकर पे पानी ला के इस्तेमाल करते थे। तो अभी हमने माशाल्लाह इधर 100 घरानों को मैंने ज़मीनें दिए हैं। तो अल्लाह की करम है कि इसके साथ हमारा इधर पहाड़ के साथ चश्मे निकला, बशीर भाई ने बहुत मेहनत करके। अभी यहाँ से लोग काफ़ी इस्तेफादा हो रहे हैं, अभी भी पानी का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो कितना ये ज़मीन महंगी है, सस्ती है, क्या रेट है इधर? शुरू में तो बहुत सस्ती थी, अभी बहुत महंगी हो गई है। अभी बहुत मतलब शुरू में जो 4 लाख की ज़मीन थी, अभी वो 40 लाख की बिकती है।